नागपुर पुलिस पर बहुत बार आरोप लगाए जाते हैं कि शहर की पुलिस द्वारा किसी भी तरीके के अपराध पर कार्रवाई नहीं की जाती है, परंतु इस वक्तव्य को झूठा साबित करते हुए प्रताप नगर पुलिस द्वारा एक बहुत बड़ी कामगिरी को अंजाम दिया गया है, जिसके चलते लोगों का पैसा डबल करके देने का वादा कर फंसा रहे एक आरोपी को पुलिस ने महज 7 दिनों के अंदर धर दबोचा। बताया जा रहा है कि आरोपी व आरोपी के साथीदारों ने 70 करोड़ का घोटाला किया है। महाजनवाड़ी नागपुर निवासी आरोपी विजय गुरनुले ने वर्ष 2015 में मेट्रोविजन बिल्डकॉन इंडिया लिमिटेड इस नाम से एक फर्म की स्थापना की थी, जिसके चलते वर्ष 2015 में कारंजा घाड़ के जिला वर्धा में उसने जमीन खरीदी और उस पर लेआउट डाले, जिसमें लगभग 15 प्लॉट उसने बेचे और वाना डोंगरी हिंगना से रोशन कड़ू को झूठा वादा कर उसका प्लॉट अपनी फर्म के नाम पर कर दिया। इसके बाद अप्रैल 2020 में आरोपी ने अपने साथीदारों के साथ मिलकर वित्तीय लाभ और धोखाधड़ी करने के इरादे से रियल ट्रेड की स्थापना की, जिसके चलते हिंगना रोड स्थित होटल हेरिटेज, रामदास पेट स्थित तुली इंपीरियर, वर्धा रोड स्थित ली मेरिडियन और अजनी चौक स्थित रेजेंटो होटल व ऐसी जगहों पर नियमित रूप से सेमिनार आयोजित करके शेयर बाजार में निवेश करने के लाभ के बारे में बताया और लोगों को लालच देकर उन्हें उनके जाल में फसाया। साथ ही कंपनी की विभिन्न योजनाएं जैसे पुणे मेट्रो इजी कंपनी के नाम से लगभग 1400 टैक्सियां चल रही है, स्विगी जोमैटो जैसी मेट्रो फूड एक्सप्रेस कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगी, वे फार्मास्यूटिकल्स में भी काम शुरू करेंगे ऐसा कहा। साथ ही यह भी कहा गया कि शेयर बाजार में भी निवेश करने की योजना है, जिससे लोगों का उन पर विश्वास बैठ गया और खुद के साथ ही उनके रिश्तेदार ऐसे तरीके से नागपुर, चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया, पुणे, मुंबई के साथ साथ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आसाम, दिल्ली, छत्तीसगढ़, गुजरात आदि शहरों से लगभग 1300 लोग उनके प्रलोभन में फंस गए और करीब करीब 1,26,500 रुपए का निवेश कर बैठे। लोगों का विश्वास अर्जित करने के लिए आरोपियों ने शुरुआत की कुछ किश्तों के पैसे निर्धारित समय पर दिए, लेकिन पिछले 2 महीने से आरोपियों ने लोगों को गुमराह करने के इरादे से फर्म मेट्रो कॉइन की स्थापना की, जिसमें आरोपियों ने उनके समझौते के अनुसार पैसा देना रोक दिया। आरोपियों ने यह दिखावा करने की कोशिश की कि उनकी जमा राशि क्रिप्टो मुद्रा योजना में उनकी मूल राशि को स्थानांतरित करके सुरक्षित है। आरोपियों ने मेट्रो कॉइन की स्कीम 22 अक्टूबर 2020 में तैयार की थी, लेकिन आरओसी में नून नहीं की थी। साथ ही आरोपियों ने लोगों को बताए गए शेयर मार्केट में निवेश के बारे में भी झूठ कहा गया था, ये सामने आया। मेट्रोविजन बिल्डकॉन इंडिया लिमिटेड के 4 खातों की जांच की गई, जिसमें प्रारंभिक स्तर पर यह खुलासा हुआ कि लगभग 70 करोड़ रुपए का बैंक के खाते में निवेश किया गया है। केस दर्ज होने के पहले ही मुख्य आरोपी विजय गुरनुले फरार हो गया था और 14 नवंबर से लगातार 7 दिन जांच कर पुलिस को आरोपी 18 तारीख को शेगांव से मिला। बड़ी चतुराई और अथक परिश्रम कर पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा और पुलिस द्वारा यह बताया जा रहा है कि यह अपराध केवल महाराष्ट्र तक सीमित न होते हुए अन्य राज्यों से भी जुड़ा हुआ है, साथ ही अपराध का दायरा और बढ़ा है और जांच में कई तथ्य सामने आने के बाद कई और आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सकता है। कुछ कंप्लेनेंट्स आए थे जिन्होंने कंप्लेंट दी थी कि उन कुछ इस तरीके से थे कि कोई कंपनी है जिसमें उन्होंने पैसे, हमें पैसे दुगने मिलेंगे, इस इंसेंटिव के कारण पैसे इन्वेस्ट किए जो नहीं मिले उस पे से यह अपराध दाखिल किया गया था। और इसमें मेन जो कंप्लेनेंट था ये थे गणेश चाफले। उसके बाद में जब ये पूरा इन्वेस्टिगेशन शुरू था तब ऐसा पता चला कि ये एक मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम है जिसमें हर आदमी एक कुछ पैसे लगाएगा, उसके ऊपर उसको एक कुछ दिनों में एक तो कुछ इंटरेस्ट मिलेगा जो बहुत एग्जॉर्बिटेंट था, या फिर कुछ इसमें डबल पैसे दिए जाएंगे। इस तरीके से ये चेन बनी हुई थी और इसमें से काफ़ी लोगों ने पैसे लगाया था। करीबन 15,000 लोग अभी तक ये हुए कि इन लोगों ने पैसे लगाए थे और करीबन 70 करोड़ के करीब अभी तक इन्वेस्टिगेशन में पता चला है, या और भी बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। तो उस पर से ये ऑफेंस के इन्वेस्टिगेशन में जो मेन आरोपी है विजय गुरनुले गजबिये,
इत्यादि और अन्य ऐसे 8 लोगों को हिरासत में लिया गया। और ये जब शुरू हुआ तो ये आरडी स्कीम से शुरू हुआ था 2015 में, उसके बाद में ये डबल मनी के हिसाब से ये जो स्कीम लॉन्च की गई है उसमें उनको एक 3,000 रुपीज़ की आईडी लेना था और उसमें से 16.6% आपको इंटरेस्ट मिलेगा ऐसा पता ये किया था। बाद में उसको पैसे डबल कर दिए जाएंगे करके बदल दिया गया था। उसके बाद में इस हिसाब से 1,14,000 आईडीज गई थी और 15,000 लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था। इस हिसाब से करीबन 70 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किए गए थे। बाद में एक मेट्रो कॉइन करके स्कीम लॉन्च की गई जिसमें आपको $300 इन्वेस्ट करना है और आपको $600 मिलेंगे, इस हिसाब से था। तो कहने का मतलब ये अलग अलग इसी स्कीम को नाम बदल बदल के, क्योंकि पैसे पहले के लोग जो स्कीम में पैसे इन्वेस्ट किए अगर वो पैसे मांगने आते हैं तो चलो ये पैसे आपकी इस स्कीम में इन्वेस्ट कर देते हैं, इसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा है, इसके हिसाब से लोगों को लुभाते गए। और इसमें इन्वेस्ट करने वाले लोग खास करके MP, गुजरात, छत्तीसगढ़, UP, तेलंगाना, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आसाम, आंध्र प्रदेश और करीबन पूरा विदर्भ, यहाँ से इसमें लोगों ने इन्वेस्ट किया है। इसमें अभी आरोपी अरेस्ट किए गए हैं और हमारी लोगों को गुजारिश है कि अगर और भी इस बारे में अगर किसी को कंप्लेंट हुई तो वो एक खुद आकर DCP जोन 1 श्री नूरुल हसन साहब को मिल सकते हैं या पुलिस स्टेशन प्रताप नगर में ये कर सकते हैं, या मैं एक आपको व्हाट्सअप नंबर देता हूँ, उस व्हाट्सअप के ऊपर भी अपनी कंप्लेंट लॉन्च की जा सकती है, आपका स्टेटमेंट दिया जा सकता है। मैं नंबर आपको पढ़ के बताता हूँ, 7559294076। मैं नंबर फिर एक बार रिपीट करता हूँ, 7559294076। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप अकाउंट ओपन करके अपनी कंप्लेंट लॉन्च की जा सकती है। और इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के दरमियान शुरू में कंप्लेनेंट नॉर्थ रीजन एडिशनल CPC रेड्डी साहब के तरफ गया था, उन्होंने काफ़ी इसमें ये जांच करने के बाद में इसमें ऑफेंस रजिस्टर होता करके उन्होंने ये प्रताप नगर पुलिस स्टेशन, क्योंकि कंप्लेनेंट प्रताप नगर पुलिस स्टेशन के हद्दी में रहने वाला था, उधर भेजा, उसके ऊपर से ये ऑफेंस रजिस्टर हुआ था। उस बाद में काफ़ी प्रयास के बाद ये जो मुख्य आरोपी है उसको अरेस्ट करने में काफ़ी पुलिस को कसरत करनी पड़ी, क्योंकि वो काफ़ी 6 दिन तक भागता रहा, तो अरेस्ट कर लिया गया और अभी आगे की प्रक्रिया शुरू है।